इस वक्त मौजूद हूँ मैं दुआ के मामू के साथ, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद ज़ीशान हैदर काज़मी है जी। मुझे ज़ीशान साहब, मुझे ये बताइए कि भाई दुआ के आपके साथ जो है वो कैसा रिलेशन था, कैसा नेचर था? दुआ का मामू जो है वो बड़े फ्रैंक होते हैं और बेटियों की तरह समझते हैं भांजियों को, तो फिर कैसा रिलेशन था? बहुत अच्छा रिलेशन है हमारी। बेसिकली एक बड़ी फैमिली है और हमारी फैमिली में काफ़ी सारे बच्चे हैं। अच्छा। हमारे दो सिस्टर्स बाहर होती हैं, एक जॉर्डन में होती है, उसके तीन चार बच्चे माशाल्लाह से, एक सियालकोट में होती हैं, उनके तीन चार बच्चे हैं, फिर मेरे अपने खुद पांच बच्चे हैं, और फिर इधर भी माशाल्लाह से काफ़ी तीन बच्चे यहाँ पर भी थे। तो हम अभी रिसेंटली शादी में आए थे तो बहुत रौनक थी। अच्छा। हम आपस में बहुत खेल रहे थे, बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है आपस में सारों की। और हमारी फैमिली में एक्चुअली बेसिकली शुरू से ही ऐसा ही है कि हमारे वालदेन ने जो परवरिश की है वो एज अ फ्रेंड की है, मतलब कि फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है हमारा। तो हम लोग बहुत अटैच हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। और तो जाहिर सी बात है दुआ ज़ारा भी हमारी बहुत प्यारी बच्ची है, वो हमसे बहुत प्यार करने वाली है और बहुत ज़्यादा मतलब के सेंसिबल बच्ची है वो। तो ये मैं शॉक्ड हूँ मतलब के देख कर ये सारी चीज़ें। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि जब दुआ आ जाएगी तो आप लोगों का क्या जो है वो रिएक्शन होगा? वैसे ही गले से लगाएंगे कि भाई हम तो वैसे क्या, बेशक अब तो मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि बल्कि उसको और ज्यादा प्यार मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा, और उसकी और ज्यादा केयर होगी और डिजर्व करती है वो बच्ची। हमारे लिए तो इस वक्त वो एक एक लम्हा बहुत ज्यादा जो ना समझ लें कि हम बता एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते अपनी जो इस वक्त सिचुएशन है। हर घड़ी हर वक्त बस यही होता है कि कोई न्यूज़ मिल जाए उसकी, अभी पता चले अभी आ रही है, तो हम लोगों के एक एक्सप्रेशन हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते जो है। बेसिकली इस वक्त पूरे घर की सिचुएशन है जी, बिल्कुल मैं तो समझ सकती हूं। उसकी बस ये उठते बैठते यही है कि अल्लाह खैर खैरियत से हो, सलामती से हो, और बस खैर खैरियत से हमारे पास आए, उसको बहुत प्यार मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको मतलब के होगा उसके साथ। ठीक है। तो वो तो वैसे ही हमारी घर में है भी, वो बहुत प्यारी बच्ची है, वो सबसे प्यार करने वाली है, सबके साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करने वाली है, और बहुत पोलाइट बच्चा है वो। अच्छा। हाँ, बहुत केयरिंग, बहुत पोलाइट बच्चा है ये। तो मैं हमारे तो समझ लें कि पैरों के तले कहते हैं ना, जमीन निकल जाएगी, ये तो वो स्टोरी है। हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा ये कि हो क्या रहा है, इतना बड़ा इम्तिहान फैमिली के ऊपर आ गया है। शायद इसमें बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जब वो कहते हैं कि कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आपको अपनी गलती भी नज़र ना आ रही हो, तो इसका मतलब हकीकत यही है कि अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया, आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। और इंशाल्लाह बहुत सब्र से हम सारे साबिर हैं इस वक्त, और हमारी ये है कि अल्लाह की बारगाह में ही सबसे बड़ी ज़्यादा तो दुआ उन्हीं से कि या अल्लाह हमारा मसला हल हो, बच्ची खैर खैरियत सलामती के साथ आए घर में, और फैमिली फिर जो ना कहना हैप्पीली ज्वाइन हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।